बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग का साइन नगर चौराहा इन दिनों यात्रियों के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। जायका पेट्रोल पंप से लेकर बेनाम चौक तक मुख्य सड़क का विकास कार्य शुरू है और यह विकास कार्य बीते 2 माह से अधिक समय से चल रहा है, जिसके चलते केवल एकाकी मार्ग से ही आहूजाही के लिए यह सड़क शुरू है और इसी सड़क से बड़े बड़े वाहन सहित कारें और मोटरसाइकिल सवार आवाजाही करते रहते हैं। लेकिन इस आवाजाही में यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही करते समय साइन नगर चौक से लेकर जायका पेट्रोल पंप तक यातायात सुबह से लेकर शाम तक बाधित होता है। इसी समय में यहाँ पर कोई भी यातायात कर्मचारी यातायात को सुचारू करने हेतु उपलब्ध तक नहीं रहता है, जबकि मुख्य सड़क का दूसरे छोर का विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने इस सड़क को सामान्य यात्रियों के लिए यात्रा के लिए बहाल नहीं किया है। मुख्य सड़क से एकाकी मार्ग से यदि कोई एम्बुलेंस गुजरती है तो एम्बुलेंस को भी इतना सा सफर तय करने के लिए काफी समय लग जाता है और कभी किसी महिला यात्री की मोपेड पंचर हो जाती है तो फिर तो उसके लेने के देने ही पड़ जाते हैं। आखिर यह विकास कार्य इतने कछुआ गति से क्यों चल रहा है, ऐसे प्रश्न यात्रियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद यातायात विभाग और सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसका खामियाजा सामान्य नागरिकों को रोजाना को करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि कितने जल्दी सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्य सड़क को सामान्य यात्रियों के लिए बहाल करता है कि नहीं। शोएब खान, विदर्भ न्यूज, बडनेरा।